स्वामी जी, क्योंकि अभी मीनाक्षी ने बोला ना कि कहीं गुस्सा किसको सामने कर रहा है, तो कहीं गुस्सा निकालने को थप्पड़ी जड़ दिया, अपना गुस्सा निकालने किसी को मार दिया, युद्ध हो जाएगा। हाँ, तो हमने कुछ स्टोरीज देखी थी कि विदेशों में कुछ जो ऑफिस है वहां पर कुछ ऐसे कमरे रखे गए एम्प्लॉयज के लिए, जहाँ वो जाकर तोड़ फोड़ सकते हैं, मार सकते हैं वहां पर जो डमीज है, ताकि अपना गुस्सा एंगर निकाल सके। स्वामी जी, कितना असरदार होता है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। ये तो आपने डमीज को मारना, ममीज को मारना, ये दीवारों को मारना, तकियों को मारना, ये एक दूसरे की ताड़ना, प्रताड़ना, देखो ये सच में सही नहीं है। जो हम बार बार करेंगे, चाहे वो असली करें या नकली करें, नकली गुस्सा भी जो है ना, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है, क्रोध को बोध सीजिए। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा साधन कहा है ना सब चीज़ों का, वो विवेक का है, इसी को ज्ञान योग का है, भक्ति का है, भक्ति योग का है, कि सबसे प्रीति करना सीखो। जब आप सबके प्रति परम प्रीति करते, सबके प्रति उदारता का भाव रखते, करुणा वात्सल्य का भाव रखते, महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। आपको सदा चित्त की प्रसन्नता रखनी है तो मैत्री रखो उनके प्रति जो सुखी है, करुणा का भाव रखो जो दुखी, और जो जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जो बहुत ऊंचे उठ गए, उनके प्रति ईर्ष्या मत रखो, उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो। और जो दुष्ट है, जो असुर प्रकृति के, जो सुबह से शाम तक विध्वंस करते रहते हैं, उनके प्रति उदासीनता तटस्थता का भाव रखो, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा उलझोगे तो फिर वो बुराइयाँ आपके जीवन में भी आ सकती है। ये सही दृष्टिकोण है जीवन का। और फिर कहा, वीतराग विषयम वा चित्तम। तो जिन्होंने अपने जीवन को बहुत शुद्ध बनाया है, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, भगवान गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का, गौतम कड़ा, जमनी पाणिनि पतंजलि का, भगवान राम कृष्ण शिव हनुमान का, महर्षि दयानंद का चरित्र अपने आंखों के सामने रखो, अपने महापुरुषों का, उससे हम अपने आप को उभार पाते हैं। तो ये उपाय सही है जी। मेरे भाई अमित जी, मीनाक्षी जी, स्वामी जी, योग प्राणायाम के साथ लोग ध्यान पर भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और कहते हैं जब गुस्सा आता है तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो उससे भी आपका एंगर शांत हो सकता है। तो कई लोग तो सिर्फ ध्यान ही करते हैं, और ऐसे में ध्यान मेडिटेशन का सही तरीका क्या है, ये जानना प्रिया भी है। जो ये कहना चाह रही है कि आचार्य बालकृष्ण जी शुरुआत से ही ध्यान पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, तो ध्यान कैसे करें और कितना इसका लाभ मिलता है स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट में? पूज्य आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप शुरू से बड़े ध्यान में हुआ, ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश बचा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया, जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग क्रोध बचा न रहा। तो पूज्य आचार्य जी एक पूछ रहे हैं आपसे, मीनाक्षी जी और अभित जी, ध्यान नहीं करें तो लुढ़क जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान बैलेंस के लिए स्वामी जी आचार्य जी कर रहे हैं। सावधानी हटी। लेकिन स्वामी जी, आचार्य जी ने बहुत पते की बात बताई है, बताते रहे स्वामी जी, आचार्य जी ने बहुत पते की बात बताई, इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि किस तरह से जीवन में अगर आप अपना ध्यान ना दें तो आप लुढ़क जाएंगे, यानी जीवन से ही आप चले जाएंगे, साइडों में रुकने की भी कोई जगह नहीं इसमें तो। आचार्य जी कह रहे हैं, आप ऐसे हजारों लोगों को मैनेज करते रहते हो, तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप कैसे कंट्रोल करते हो? गुस्सा आने पर आप थोड़ा सा मनन करना शुरू कर दे, गुस्से को एक क्षण के लिए रुक जाएं। मैं तो अभी पूज्य स्वामी जी को बताने वाला हूँ कि जैसे अलग अलग चीजों के लिए मंत्र होता है, ऐसे गुस्से का भी यदि मंत्र हो जाए, आदमी मंत्र पढ़ना शुरू कर जाए तब तक तो गुस्सा शांति हो जाएगा। यानी एक क्षण के लिए रुक जाएं। आवेग उद्वेग कार्य के लिए एक जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में समझाना बताना, परंतु अनायास अकारण बिना मतलब के बेमतलब के जो चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं वो थोड़ा एक क्षण के लिए रुक जाएं, थोड़ा सोच ले। हालांकि प्राचीन काल की कहावत है कि बोले मुँह में पानी भर लो थोड़ी देर के लिए,
तो पानी भर लेने से तो फिर बोलने का मौका ही नहीं रहेगा, तो फिर गुस्सा कहाँ से करेगा। तो जो लोग पानी पी पी कर गुस्सा करते हैं ना स्वामी जी, मैं कह रही हूँ जो लोग पानी पी पी कर गुस्सा करते हैं वो पानी ही पीते रह जाएंगे, गुस्सा करना भूल जाएंगे। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब स्वामी जी सवालों का एक बहुत लंबा सिलसिला है जो आपके सामने है। उपाय बड़ा अच्छा है और जी दीर्घकालिक उपाय जो आचार्य जी ने बताया यही सबसे बड़ी बात है। एक क्षण के लिए थोड़ा सा ठहर जाए और ये एक क्षण का आवेग होता है, ये काम का भी होता है, क्रोध का भी होता है, लोभ का भी होता है, मोह का भी। थोड़ा आदमी विचार करके ना परिणाम का थोड़ा सा चिंतन कर ले। हमारे यहाँ पर योग दर्शन में उपाय बताए, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति और अधात्त दुखम वेव सर्वम विवेक न, और जो है एक है प्रतिपक्ष भावना। जितने भी विकार कहे फिर उसमें बोला कि इसको सारे विकारों से मुक्त होने का क्या उपाय है, तो विकार बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो आज ये दो सूत्र दे दिए हैं श्रद्धेय आचार्य श्री। ये उसी तरीके से स्वामी जी की ईश्वर को याद कर ले, अब सौंप दिया विकार बाधने प्रतिपक्ष भावना, परिणाम ताप संस्कार तुम्हारे हाथों में। क्या बात, तो भगवान के हाथों में अपना सारा भार सौंप दे तो देखिए धीरे धीरे सारे संकट कटते जाएंगे। निर्भर होकर के रहे भगवान के हाथों में अपना भार सौंप करके जी। अब आपको तो भजन गाने के लिए यही बोलाना पड़ेगा। ये मीनाक्षी जी गाती भी बहुत अच्छा है, शास्त्रीय संगीत भी सीखा, नृत्य भी बहुत अच्छा करती है, घर भी बहुत अच्छे से चलाती है और अपने पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करती, मुझे पता है, उसने बताया था मुझे। अब स्वामी जी दर्शक नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उनका सवाल नहीं लिया, वो कहेंगे बस अपनी बात करती है। चलिए आलोक जी का सवाल है और आलोक ये कह रहे हैं कि उनकी किडनी सिकुड़ गई है, किडनी का सिकुड़ना कैसे रोका जा सकता है और उसे पुरानी स्थिति में कैसे लाया जाए, इसके लिए योग। आलोक जी के सवाल का जवाब ये है, ये दोनों हाथों में दोनों अंगुलियों के ऊपर दबाएं, हथेली के बीच में दबाएं, ऐसे ही दोनों पैरों में, और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षर आदि वटी एक एक, खाली पेट रेणुग्रीट ले लें, गोखरों का पानी पिए, गोखरों में थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं और स्वादिष्ट भी हो जाता है, नहीं तो अकेले गोखरों का पानी थोड़ा बकबका सा लगता है। गोखरू धनिया और जो ये तीनों डाल लिया, और उसमें यदि किसी को प्रोटीन लीकेज भी है तो गिरोई गोखरू आंवला, ये फार्मूला पूज्य आचार्य जी ने बताया था और उसका 100% जो है समाधान है प्रोटीन लीकेज का, जिसका पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है। तो जिनकी किडनी भी श्रिंक हो गई है वो रेणुग्रीट चंद्रप्रभा गोक्षर आदि ले ले, और थोड़े दिनों तक बाकी सब अनाज बंद करके जो का ही दलिया जो का ही आटा का सेवन करें, तो ये किडनी के श्रिंक होने वाली प्रॉब्लम आज से करीब 2 दशक से हम ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।